दीपक तले अंधेरा वाली कहावत इन दिनों सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। असल में कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आप देखकर दंग रह जाएंगे। वैसे तो सरकार ने अनलॉक डाउन 4 में बहुत सारी नियमों में बदलाव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पूरे ज़िले में कोरोना संक्रमित के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और फरीदाबाद में तो मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। लगभग 178 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लमगढ़ के सरकारी अस्पताल का है, जिसमें एम्स की शाखा भी लगती है। यहाँ पर सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्ड बनवाने के लिए लाइनों में एक दूसरे के ऊपर सटे हुए खड़े दिखाई देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ आने वाले मरीजों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के जो मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, उसका कारण भी सोशल डिस्टेंसिंग ही ज़्यादा माना जा रहा है। यहाँ पर दवा लेने के लिए आए और अपना टेस्ट करवाने के लिए आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा नाम रोशन सिंह है। रोशन सिंह, कहाँ से आए हैं दवाई लेने? क्या सर, मैं पौड़ीगढ़वाल से आया हूँ। कल ही आया था, तो मेरी ड्यूटी से आया अभी। उन्होंने कहा टेस्ट करवाओ, उसके बाद ड्यूटी आना है, तो मैं टेस्ट करवाने आया हूँ। तो हॉस्पिटल में आए हैं, सैनिटाइजर की कोई सुविधा, सोशल डिस्टेंस की बात करें, उसकी कोई सुविधा ना कराई आपने? सर, हॉस्पिटल वालों ने कोई सैनिटाइजर नहीं दिया, अपना लेके आए साथ में। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई नियम नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंस के लिए कोई लोग समझा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ? हाँ, समझा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले ने समझाया, डॉक्टर समझा रहे हैं। फिर लोग बात कर रहे हैं इस बात को फॉलो, या जैसे कि ब्लैंड में कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं? तो क्या सैनिटाइजर वगैरह भी दिया गया हम लोगों को, हॉस्पिटल में आए दूरी बना के सैनिटाइजर वगैरह? नहीं, सैनिटाइजर नहीं दिया गया, अपना लेके आए साथ में। भीड़ भाड़ की बात करें, लोगों को इस प्रकार लाइन में जबरदस्त होने खड़े, कितना सही मानते हैं आप? लोगों को दूरी बना के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए सही रहेगा, बीमारी से बचने के लिए दूरी बनाना जरूरी है। लोगों को 9 बजे तो बैठे हैं भैया, कोरोना टेस्ट करनी है। पवन कुमार नाम है। पवन जी, कहाँ से आए हैं? मैं होटल से आया हूँ जी, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ, उन्होंने बोला कोरोना टेस्ट करवा लाओ, तो यहाँ 9 बजे से आए बैठे हैं। अभी तक तो नाम ही लिखे गए हैं, कुछ भी सैनिटाइज नहीं है यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो क्या कोई लोग समझा रहे हैं कि हॉस्पिटल? कुछ नहीं समझा रहा कोई, कुछ नहीं। किसी को डाउट नहीं किया जा रहा? किसी को नहीं, सैनिटाइजर नहीं। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? मैं 9 बजे से हूँ। 9 बजे से? सुबह 9 बजे से। क्योंकि लाइन लगी है, काफ़ी लोग घुसे घुसे पड़े हैं। कोई नहीं समझा रहा, आप देख लो कोई लाइन में। ये तो अब लास्ट के रह गए हैं, 100 बंदों का वो हो लिया है रजिस्ट्रेशन, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, इसमें 100 बंदे कहाँ जाएंगे? काफ़ी भीड़ है। हाँ, काफ़ी भीड़।